लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। आज 15 फरवरी को जॉइंट्स ग्रुप ऑफ महिला शक्ति की बहनें आतंकवादी हमले में शहीद हुए अपनी सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत माता पार्क में एकत्रित हुई। जी मैडम, आज यहाँ पर आज किस तरीके का आज यहाँ पर श्रद्धांजलि जा रही है? आज कल जो हमारा ये आतंकी हमला हुआ है हमारे शहीदों के ऊपर, जो हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन शहीदों के ऊपर उन्होंने कायरतापूर्वक जो हमला किया है, हमने उसको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुई है महिला शक्ति। हम सब लोगों ने कैंडल जलाकर उनको भावभीनी अपना नमन देने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि हम उनके परिवारों और उनको भगवान उनको सहन शक्ति दे जिससे कि वो अपने इस चीज़ को सहन कर सके और अपने जीवन यापन कर सके। जी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, किस बात को लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है? ये जो जघन्य अपराध किया है आतंकवादियों ने कि निर्दोष जो हमारे सैनिक जो हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं उन पर प्रहार किया और वो सारे के सारे मारे गए, तो इस दर्दनाक घटना के लिए जो हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम तो सरकार से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि उन्होंने हमारे 40 मारे हैं, हम उनके 4000 मारें, क्योंकि खून का बदला अब खून से ही लिया जाएगा। बहुत हो चुका, बहुत सैनिक हमारे अब तक मारे जा चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया दिखाई पड़ रहा कि जिससे हमें ये सुकून मिले कि हमारे सैनिक अब सुरक्षित हैं। माओं के लाल जाते हैं, कितना कष्ट होता है, कितने परिवार उजड़ते हैं, कितने लोग बर्बाद होते हैं, ये अब सरकार को देखना ही पड़ेगा। ये एक शोक सभा है जिसमें जॉइंट्स ग्रुप ऑफ फिरोजाबाद महिला शक्ति ने आज हमारे देश के जो वीर शहीद कल एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद हो गए उनके लिए रखी है, क्योंकि वो हमारे देश के हमारे भाई थे और बिल्कुल आराम से वो लोग, तो एक बटालियन जा रही थी, CRPF के जवान थे और वहाँ पे जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन ने जो जिम्मेदारी ली है और उसने ऐसा हमला किया कि बारूद से भरे ट्रक से ही टक्कर मार के और वहाँ पे हमारे इतने देश के जवान शहीद हो गए एकदम से। और उसके मतलब 44 की खबर अभी तक मेरे को मैंने न्यूज़ चैनल्स पे देखी है कि जो शहीद हो चुके हैं, बाकी हमारे और भी भाई हैं जो इस समय गंभीर अवस्था में हैं। मतलब अंदर से मन में ही वेदना हो रही है कि जो हमारे लिए इतनी विषम परिस्थितियों में खड़े होकर अपनी जान न्योछावर करते हैं, उनको ये कायर जब चाहे धोखे से एक भारी संख्या में ऐसे ही मार देते हैं, जो बहुत गलत है। आप यदि इतने ज़्यादा बहादुर हैं, यदि आपका कोई उद्देश्य सटीक है, सही उद्देश्य है, तो सामने आके वार्ता कीजिए। आप इस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से क्यों हमला करते हैं? एक अपेक्षा आप अपने देश की सरकार से भी है कि बहुत हो गई चुप्पी, अब कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे आतंकवाद का खात्मा हो और हम लोग सुरक्षित फील करें। क्योंकि हम लोग बहुत दूरदृष्टि हैं, हम ये भी मानते हैं कि हम एक ऐसे देश से क्या लड़ें जो खुद भूखा नंगा है, लेकिन हमारे देश में संपन्नता है तो हम लोग विवाद से बचते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पीर पर्वत हो गई, अब तो पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब बर्दाश्त के बाहर है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कोई एक्शन फिर से लेना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक एक ही नहीं बार बार करनी चाहिए।